चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए वीडियो पाने के लिए पास में दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूट्यूब का इंट्रो कैसे बनाए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और कोई भी सवाल हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। अपने मोबाइल में सेव किए हुए काइन मास्टर को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद उसके रेशियो 16:9 पर जाइए और क्लिक कीजिए मीडिया ब्राउजर पर। जो भी एक बैकग्राउंड चूज कीजिए, आप इजीली समझ रहा हूँ, आप समझने के लिए जो भी ना समझ हुए उसके थोड़ा जितने वीडियो है उसी हिसाब से उसके बैकग्राउंड थोड़ा लंबी कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए काइन मास्टर का लोगो नहीं है, जो भी लोगो दिया गया था वो नहीं है काइन मास्टर का, बाकी सब में देखिए काइन मास्टर का अपना लोगो आ जाता है। उसके बाद आप सेव किए हुए दो इमेज सेव कीजिए, एक अनसा जब सब्सक्राइब नहीं हुआ था पहले से उसको ले आइए और उसको उसके हिसाब से वीडियो के हिसाब से और इमेज के हिसाब से क्लियर देखने के लिए थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। और उसके बाद आप और एक मीडिया पे लेयर पे जाइए, लेयर के जाने के बाद आप चूज कीजिए पहले से आपकी जो PNG इमेज है हैंड, उसको ठीक सब्सक्राइब बटन के ऊपर ही रखिए और उसमें एक एनिमेशन लगाना है कि जैसे हमको पता चले कि वो एनिमेशन के वो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर रहा है। सो इजीली मैंने यहाँ पे दिया है स्क्वीसिंग वाला एनिमेशन दिया है, स्क्वीसिंग जैसे लग रहा है कि वो प्रेस कर रहा है। उसके बाद जाने के बाद अब दूसरे इमेज एक अनसब्सक्राइब सब्सक्राइब होने के बाद एक इमेज आपको स्क्रीनशॉट लेना था और उस स्क्रीनशॉट जो सब्सक्राइब होने के बाद जो स्क्रीनशॉट वाला इमेज वहाँ पे दिखाना। हम वहाँ पे थोड़ा वीडियो प्ले करके देखते हैं कि कैसे चल रहा था। उसके बाद आइए अभी 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 ओके है, ओके उससे लग रहा है कि वो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर रहे हैं। उसी के बाद फिर और एक बार लेयर पे जाइए, लेयर के बाद मीडिया पे अब जो PNG वाला इमेज वही जो आपने उसी एडजस्ट करके, मैं इस वीडियो में नहीं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिए उस इमेज के हिसाब से। मैंने इसको कैसे बनाया आपको जानना चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैसेज कीजिए, मैं आपको बता देता हूँ कैसे मैंने इसको बनाया है। और थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिए, ये सब्सक्राइब होने के बाद स्क्रीनशॉट मैंने लिया था। ओके, उसके बराबर होना चाहिए कि देखना चाहिए, दिखा रहा कि वो पूरा प्रॉपरली बैठा हुआ है अभी थोड़ा सा। हाँ ओके, ठीक हो गया अभी। अब दूसरी बार हमको एक बेल आइकन को शो करना है, उसमें थोड़ा बैठा नहीं है थोड़ा सा। ओके, अभी बैठ गया, मैंने देख रहा उसका बड़ा भला बैकग्राउंड देख रहा था। ओके, उसके थोड़ा जितना उसका बैकग्राउंड उसके हिसाब से थोड़ा लंबी कर दीजिए। और ठीक ये स्टार्ट होगा कब, जब हैंड प्रेस करने के बाद, जो सब्सक्राइब बटन प्रेस होने के बाद उसको शुरू कर दीजिए। अभी बराबर आ रहा है ना, वीडियो थोड़ा प्ले हो गया, बराबर से आ रहा है। ओके, अब प्रॉपरली बैठा ना, मैं वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ कैसे वीडियो प्ले करके देख रहा हूँ पहले से। ओके, अभी ओके हम अभी जाते हैं फिर और एक बार मीडिया पे जाते हैं। ओके, यहाँ पे इफेक्ट कुछ नहीं चाहिए, अभी मीडिया पे जाते हैं। मीडिया के जाने के बाद PNG वाला एक इमेज है वो बेल आइकन का, उसको साइड में रखिए और उसके हिसाब से साइड में रख लीजिए, क्योंकि वो छोटा वाला इमेज ज़्यादा क्लियर से दिखाई नहीं दे रहा है ना, इसलिए उसको साइड में रखने के बाद अभी फिर और एक बार मीडिया पे जाइए। वो जो प्रेस करना जो PNG वाला हाथ, उसको आके ठीक बेल के ऊपर रख दीजिए, जैसे सब्सक्राइब में रखे थे, सब्सक्राइब में रखने के जैसा उसको भी रख लीजिए। और उसमें भी एक ओवरऑल एनिमेशन स्क्वीजिंग वाला ही मैंने दिया है कि लग रहा है कि वो प्रेस कर रहा है। ओके, अभी और जो ऑडियो है वो अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करके देना है कि वीडियो के हिसाब से ही वो ऑडियो प्ले होना चाहिए। ओके, अभी तो सही लग रहा है, अभी मैंने वीडियो प्ले भी कर दिया उसको। ओके ठीक है, क्योंकि साइड में बेल आइकन वो क्लियरली पता चल रहा है कि वो प्रेस कर रहा है।
अभी बीच बीच में आप एनिमेशन दे सकते हैं, ओवरऑल एनिमेशन जो भी एनिमेशन आपको देना चाहिए उसको भी दे सकते हैं। ओके।